पद्मासन ने पद्म पद्माक्षमी पद्म संभवे तन्मे भजसी पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्यहम। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माँ लक्ष्मी की जय। श्री गणपति का ध्यान लगा के माँ शारदा को शीश झुका के दीपावली की कथा सुनाओ, अति मंगलमय गाथा गाओ। कार्तिक अमावस्या को पावन आता है यह पर्व सुहावन, इस दिन माँ लक्ष्मी का ध्यान भक्तों करता है कल्याण। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया माँ नमो नमः। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया माँ नमो नमः। धार्मिक साक्ष्यों के अनुसार दीपों का है यह त्योहार, इस दिन माँ धरती पे आती भक्तों पे करुणा बरसाती। श्री कुबेर जी श्री गणराज करते हैं भक्तों के काज, जो इनका करता गुणगान पाता मन चाहा वरदान। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया माँ नमो नमः। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया माँ नमो नमः। भक्तों, दीपावली का पावन पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी यक्षपति श्री कुबेर जी और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं। इसीलिए इस दिन जो भी माता लक्ष्मी का सच्चे भाव से पूजन वंदन करते हैं, उनके समस्त संकट अत्यंत सहजता से समाप्त हो जाते हैं तथा जीवन परम मंगलमय बन जाता है। इसी कारण से इस दिन भक्तजन अपने घरों की अच्छे से साफ सफाई करवा के माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी महाराज के स्वागत की पूरी तैयारी करते हैं। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। इस दिन घर को स्वच्छ बनाकर फूलों के जैसा महकाकर करते हैं सब जन तैयारी, माता के स्वागत की भारी। संध्या बेला होती है जब घर घर दीप जलाते हैं सब, फिर माँ का वंदन करते हैं स्वागत अभिनंदन करते हैं। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया से खुशियाँ छाती है, दुख दरिद्रताएं हटती है, सारी बाधाएं कटती है। पर्व दिवाली का अति न्यारा, कैसे शुरू हुआ यह प्यारा। सुनो सभी यह कथा पुरानी है, अतिशय प्राचीन कहानी। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया माँ नमो नमः। सनातन संस्कृति के सबसे विशिष्ट पर्व दीपावली की शुरुआत कैसे, कब और किस प्रकार प्रारंभ हुई, आइए श्रवण करते हैं। इस त्योहार को मनाने के पीछे अनेकों पौराणिक मान्यताएं हैं, जिनमें कुछ प्रचलित कथाएं इस प्रकार हैं कि एक बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण कर रही थी। भ्रमण करते करते रात्रि हो गई। अमावस्या तिथि को भयंकर अंधकार होने के कारण माता लक्ष्मी रास्ता भूल गई। फिर क्या हुआ, अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। चहुदिशि छाया घोर अंधेरा, कहीं नहीं प्रकाश का डेरा। पथ को भूल गई है माता, कोई कहीं नजर ना आता। निंद्रा में सोया जग सारा, बंद सभी के घर का द्वारा। माता अब तो किसे बुलाए, बात समझ कुछ भी ना आए। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया से विचरण करते। बहु
पहुंची है माता एक दर पे, सम्मुख ही एक घर के अंदर दिव्य प्रकाश दिखाती सुंदर। माता ने आवाज लगाई, बाहर निकली है एक माई, वृद्धा माँ को ले गई भीतर, स्वागत किया है अति हर्षाकर। एक वृद्धा महिला चरखा चला रही थी। जब माता लक्ष्मी ने दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, तब वह महिला बाहर निकल कर माता लक्ष्मी को आदर पूर्वक अपने घर के अंदर ले गई और भाव सहित भोजन आदि पूछकर विश्राम की यशोचित व्यवस्था करने लगी। विश्राम के लिए बिस्तर आदि की व्यवस्था होने के पश्चात माता लक्ष्मी आराम करने लगी और वह वृद्धा महिला पुनः अपने कार्यों में व्यस्त हो गई। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। अपने कार्य में व्यस्त हुई जो नींद आ गई है उसको, तो सुबह उठी तो देखा है घर बना हुआ महलों सा सुंदर, स्वर्ग लोक सा भव्य नजारा, उसकी कुटिया का अति प्यारा, लोगों ने भी देखा है जब देख आश्चर्यचकित हुए सब। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः, माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः। कार्य हो गया सब कुछ पूरा, रहा न कुछ भी शेष अधूरा, धन वैभव से भरा भंडार, चहुदिस छाई खुशी अपार। फिर बुढ़िया ने देखा जाकर माँ लक्ष्मी ना थी घर भीतर, उसे हुआ तत्क्षण आभास, ये थी माँ की करुणा खास। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः, माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः। भक्तों, उस बुढ़िया ने चारों तरफ बहुत ढूंढा, परंतु जब माता लक्ष्मी कहीं ना दिखी, तब उसे यह बात समझते देर ना लगी कि कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी ही थी, जिन्होंने मेरी सेवा को स्वीकार करके मुझ पर यह कृपा की है। इसके बाद चारों तरफ बुढ़िया की प्रशंसा होने लगी और फिर सभी लोगों ने इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रकाश उत्सव करने की परंपरा प्रारंभ कर दी। तभी से इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए सभी लोग अपने घरों के दरवाजे खोलकर रखने लगे और दीपक जलाकर पावन पर्व मनाने लगे। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। इसी रोज वनवास बिताकर राघव आए अवध लौट कर, चारों ओर परम सुख छाया, सबने घर घर दीप जलाया, तब से महापर्व यह प्यारा बना पुण्य त्योहार हमारा, घी का दीप जला कर सब जन करते हैं इस दिन प्रभु पूजन। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः, माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः। इसी रोज भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारा रण में, नरकासुर था अति अभिमानी, अद्भुत मायावी वरदानी, चहुदिशि अत्याचार मचाता, देवों को भी भय दिखलाता, हाहाकार मचा जब भारी, अकुलाए तब सब संसारी। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया को वरदान मिला था कि उसका वध केवल माता पृथ्वी की इच्छा से ही होगा। इस प्रकार अद्भुत वरदान पाकर जब उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, तब भक्त संत और देवताओं के करुण पुकार पे भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी स्वरूपा माता सत्यभामा को युद्ध क्षेत्र में अपने साथ ले गए।
माता सत्यभामा को देखकर नरकासुर ने कहा, क्या अब स्त्रियां भी युद्ध करेंगी? नरकासुर की बातों को सुनकर माता सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, अब आप इस दुष्ट दैत्य का अति शीघ्र संहार कीजिए। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का तत्काल ही वध कर दिया। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोले भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। जिस दिन प्रभु ने दुष्ट को मारा, मास कार्तिक दिन था प्यारा, उसके वध से मंगल छाया, सुर मुनियों का मन हर्षाया। इस कारण भी सबने मिलकर दीपक दिव्य जलाया, घर घर दीपोत्सव का अतिशय पावन शुरू हुआ तब पर्व सुहावन। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मा नमो नमः। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मा नमो नमः। एक और है गाथा खास, वापर के युग का इतिहास, वन में 13 वर्ष बिताकर इसी रोज पांडव आए घर। नगर वासियों ने हर्षाकर उत्सव दिव्य मनाया सादर, घर आंगन और गांव शहर डग, दीपक दिव्य जला है जगमग। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मा नमो नमः। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मा नमो नमः। भक्तों, दीपावली से संबंधित एक और कथा जुड़ी है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने इसी दिन समुद्र से अवतार लिया था। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। इस कारण भी आज के दिन प्रत्येक स्थानों पर दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इसी दिन हिंदू हृदय सम्राट महाराज विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था और इसी दिन माता पार्वती ने राक्षसों का वध करने के लिए महाकाली का रूप धारण किया था। राक्षसों के वध के बाद माता महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। फिर क्या हुआ, अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। लौट गए चरणों में शिव, जब क्रोध मात का शांत हुआ तब मन में शांत भाव जब जागा, रौद्र रूप माता ने त्यागा। इस कारण भी यह दिन खास बना पुण्य पावन इतिहास। इस दिन जहु दिस पहल प्रकाश, करता अंधकार का नाश। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया कन्या को दर्शन दी थी, फिर उसको तो सखी बनाकर माता ने करुणा वर्षा कर उसका कष्ट मिटाया है सब। माँ का नाम जपा उसने जब, इस कारण से भी इस दिन ही पूजा करते सब माता की। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया दीपावली के दिन को विशिष्ट और महत्वपूर्ण त्योहार बनाने वाली पौराणिक साक्ष्यों और तथ्यों सहित कहानियाँ। आइए अब इस त्योहार की पूजा विधि को ध्यान से श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम इस दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तत्पश्चात ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक का परम शुभदायक चिन्ह बनाएं। उसके ऊपर चावल रखकर लकड़ी का पाट बिछाकर उस पे साफ लाल कपड़ा रख के उस पे माता लक्ष्मी सहित श्री गणेश जी और श्री कुबेर जी की मूर्ति रखकर सम्मुख पंचदेव को स्थापित करें। फिर धूप दीप करके शोभचार पूजन करें। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। माँ लक्ष्मी के सहित सभी पर हल्दी कुमकुम फूल चढ़ाकर चंदन से शुभ तिलक लगाए, मंत्र जपे नैवेद्य चढ़ाए, फिर व्यंजन स्वादिष्ट बनाकर माँ लक्ष्मी का भोग लगाकर आरती कर जयकार लगाए, यह प्रसाद सब में बंटवाए। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु
की करुणा पाते हैं वो, सारे भय बाधा मिट जाती, कठिनाई ना पथ में आती। गीतकार सानंद सदा ही करे वंदना माँ लक्ष्मी की, रोहित माँ को शीश झुकाए, दिवाली की कथा सुनाए। दीपावली की रात तंत्र विद्या और अन्य मंत्र साधना के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है तथा कर्ज से मुक्ति मिलती है। जो इस दिन शुद्ध भाव से माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, वे धन धान्य यश वैभव आदि समस्त ऐश्वर्यों से अति शीघ्र ही संपन्न हो जाते हैं। इस दिन जुआ खेलना तथा व्यसन आदि करना वर्जित माना जाता है। जो भी भाव पूर्वक इस दिन माता लक्ष्मी की यह कथा सुनेगा, वो सदैव माता की कृपा का पात्र बना रहेगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माता लक्ष्मी की जय। तुमको निश्चिन्न सेवा
पद्मासन ने पद्म पद्माक्षमी पद्म संभवे तन्मे भजसी पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्यहम। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माँ लक्ष्मी की जय। श्री गणपति का ध्यान लगा के माँ शारदा को शीश झुका के दीपावली की कथा सुनाओ, अति मंगलमय गाथा गाओ। कार्तिक अमावस्या को पावन आता है यह पर्व सुहावन, इस दिन माँ लक्ष्मी का ध्यान भक्तों करता है कल्याण। इस दिन माँ धरती पे आती भक्तों पे करुणा बरसाती, श्री कुबेर जी श्री गणराज करते हैं भक्तों के काज, जो इनका करता गुणगान पाता मन चाहा वरदान। दीपावली का पावन पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी यक्षपति श्री कुबेर जी और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं। इसीलिए इस दिन जो भी माता लक्ष्मी का सच्चे भाव से पूजन वंदन करते हैं, उनके समस्त संकट अत्यंत सहजता से समाप्त हो जाते हैं तथा जीवन परम मंगलमय बन जाता है। इसी कारण से इस दिन भक्तजन अपने घरों की अच्छे से साफ सफाई करवा के माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी महाराज के स्वागत की पूरी तैयारी करते हैं। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। इस दिन घर को स्वच्छ बनाकर फूलों के जैसा महकाकर करते हैं सब जन तैयारी, माता के स्वागत की भारी। संध्या बेला होती है जब घर घर दीप जलाते हैं सब, फिर माँ का वंदन करते हैं स्वागत अभिनंदन करते हैं। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः। माँ लक्ष्मी जब घर आती है चहुदिशी खुशियाँ छाती है, दुख दरिद्रताएं हटती है सारी बाधाएं कटती है। पर्व दिवाली का अति न्यारा कैसे शुरू हुआ यह प्यारा, सुनो सभी यह कथा पुरानी है अतिशय प्राचीन कहानी। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः। भक्तों, सनातन संस्कृति के सबसे विशिष्ट पर्व दीपावली की शुरुआत कैसे, कब और किस प्रकार प्रारंभ हुई, आइए श्रवण करते हैं। इस त्योहार को मनाने के पीछे अनेकों पौराणिक मान्यताएं हैं, जिनमें कुछ प्रचलित कथाएं इस प्रकार हैं कि एक बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण कर रही थी। भ्रमण करते करते रात्रि हो गई। अमावस्या तिथि को भयंकर अंधकार होने के कारण माता लक्ष्मी रास्ता भूल गई। फिर क्या हुआ, अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। चहुदिशि छाया घोर अंधेरा, कहीं नहीं प्रकाश का डेरा। पथ को भूल गई है माता, कोई कहीं नजर ना आता। निंद्रा में सोया जग सारा, बंद सभी के घर का द्वारा। माता अब तो किसे बुलाए, बात समझ कुछ भी ना आए। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः। इस प्रकार से विचरण करते
पहुंची है माता एक दर पे, सम्मुख ही एक घर के अंदर दिव्य प्रकाश दिखाती सुंदर। माता ने आवाज लगाई, बाहर निकली है एक माई, वृद्धा माँ को ले गई भीतर, स्वागत किया है अति हर्षाकर। एक वृद्धा महिला चरखा चला रही थी। जब माता लक्ष्मी ने दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, तब वह महिला बाहर निकल कर माता लक्ष्मी को आदर पूर्वक अपने घर के अंदर ले गई और भाव सहित भोजन आदि पूछकर विश्राम की यशोचित व्यवस्था करने लगी। विश्राम के लिए बिस्तर आदि की व्यवस्था होने के पश्चात माता लक्ष्मी आराम करने लगी और वह वृद्धा महिला पुनः अपने कार्यों में व्यस्त हो गई। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। अपने कार्य में व्यस्त हुई जो नींद आ गई है उसको, तो सुबह उठी तो देखा है घर बना हुआ महलों सा सुंदर, स्वर्ग लोक सा भव्य नजारा, उसकी कुटिया का अति प्यारा, लोगों ने भी देखा है जब देख आश्चर्यचकित हुए सब। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः, माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः। कार्य हो गया सब कुछ पूरा, रहा न कुछ भी शेष अधूरा, धन वैभव से भरा भंडार, चहुँ दिस छाई खुशी अपार। फिर बुढ़िया ने देखा जाकर माँ लक्ष्मी ना थी घर भीतर, उसे हुआ तत्क्षण आभास, ये थी माँ की करुणा खास। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः, माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः। भक्तों, उस बुढ़िया ने चारों तरफ बहुत ढूंढा, परंतु जब माता लक्ष्मी कहीं ना दिखी, तब उसे यह बात समझते देर ना लगी कि कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी ही थी, जिन्होंने मेरी सेवा को स्वीकार करके मुझ पर यह कृपा की है। इसके बाद चारों तरफ बुढ़िया की प्रशंसा होने लगी और फिर सभी लोगों ने इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रकाश उत्सव करने की परंपरा प्रारंभ कर दी। तभी से इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए सभी लोग अपने घरों के दरवाजे खोलकर रखने लगे और दीपक जलाकर पावन पर्व मनाने लगे। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। इसी रोज वनवास बिताकर राघव आए अवध लौट कर, चारों ओर परम सुख छाया, सबने घर घर दीप जलाया, तब से महापर्व यह प्यारा बना पुण्य त्योहार हमारा, घी का दीप जला कर सब जन करते हैं इस दिन प्रभु पूजन। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः, माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः। इसी रोज भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारा रण में, नरकासुर था अति अभिमानी, अद्भुत मायावी वरदानी, चहुँ दिस अत्याचार मचाता, देवों को भी भय दिखलाता, हाहाकार मचा जब भारी, अकुलाए तब सब संसारी। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया वरदान मिला था कि उसका वध केवल माता पृथ्वी की इच्छा से ही होगा। इस प्रकार अद्भुत वरदान पाकर जब उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, तब भक्त संत और देवताओं के करुण पुकार पे भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी स्वरूपा माता सत्यभामा को युद्ध क्षेत्र में अपने साथ ले गए।
माता सत्यभामा को देखकर नरकासुर ने कहा, क्या अब स्त्रियां भी युद्ध करेंगी? नरकासुर की बातों को सुनकर माता सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, अब आप इस दुष्ट दैत्य का अति शीघ्र संहार कीजिए। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का तत्काल ही वध कर दिया। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोले भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। जिस दिन प्रभु ने दुष्ट को मारा, मास कार्तिक दिन था प्यारा, उसके वध से मंगल छाया, सुर मुनियों का मन हर्षाया। इस कारण भी सबने मिलकर दीपक दिव्य जलाया, घर घर दीपोत्सव का अतिशय पावन शुरू हुआ तब पर्व सुहावन। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः। एक और है गाथा खास, वापर के युग का इतिहास, वन में 13 वर्ष बिताकर इसी रोज पांडव आए घर। नगर वासियों ने हर्षाकर उत्सव दिव्य मनाया सादर, घर आंगन और गांव शहर डग, दीपक दिव्य जला है जगमग। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया मां नमो नमः। भक्तों, दीपावली से संबंधित एक और कथा जुड़ी है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने इसी दिन समुद्र से अवतार लिया था। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। इस कारण भी आज के दिन प्रत्येक स्थानों पर दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इसी दिन हिंदू हृदय सम्राट महाराज विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था और इसी दिन माता पार्वती ने राक्षसों का वध करने के लिए महाकाली का रूप धारण किया था। राक्षसों के वध के बाद माता महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। फिर क्या हुआ, अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। लौट गए चरणों में शिव, जब क्रोध मात का शांत हुआ तब मन में शांत भाव जब जागा, रौद्र रूप माता ने त्यागा। इस कारण भी यह दिन खास बना पुण्य पावन इतिहास। इस दिन जहु दिस पहल प्रकाश, करता अंधकार का नाश। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया कन्या को दर्शन दी थी, फिर उसको तो सखी बनाकर माता ने करुणा वर्षा कर उसका कष्ट मिटाया है सब। माँ का नाम जपा उसने जब, इस कारण से भी इस दिन ही पूजा करते सब माता की। माता लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रिया दीपावली के दिन को विशिष्ट और महत्वपूर्ण त्योहार बनाने वाली पौराणिक साक्ष्यों और तथ्यों सहित कहानियाँ। आइए अब इस त्योहार की पूजा विधि को ध्यान से श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम इस दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तत्पश्चात ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक का परम शुभदायक चिन्ह बनाएं। उसके ऊपर चावल रखकर लकड़ी का पाट बिछाकर उस पे साफ लाल कपड़ा रख के उस पे माता लक्ष्मी सहित श्री गणेश जी और श्री कुबेर जी की मूर्ति रखकर सम्मुख पंचदेव को स्थापित करें। फिर धूप दीप करके षोडशोपचार पूजन करें। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। माँ लक्ष्मी के सहित सभी पर हल्दी कुमकुम फूल चढ़ाकर चंदन से शुभ तिलक लगाए, मंत्र जपे नैवेद्य चढ़ाए, फिर व्यंजन स्वादिष्ट बनाकर माँ लक्ष्मी का भोग लगाकर आरती कर जयकार लगाए, यह प्रसाद सब में बंटवाए। माता लक्ष्मी नमो नमः,
दिन ध्यान लगाते हैं, जो माँ की करुणा पाते हैं, वो सारे भय बाधा मिट जाती, कठिनाई ना पथ में आती। गीतकार सानंद सदा ही करे वंदना माँ लक्ष्मी की, रोहित माँ को शीश झुकाए, दिवाली की कथा सुनाए। दीपावली की रात तंत्र विद्या और अन्य मंत्र साधना के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है तथा कर्ज से मुक्ति मिलती है। जो इस दिन शुद्ध भाव से माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, वे धन धान्य यश वैभव आदि समस्त ऐश्वर्यों से अति शीघ्र ही संपन्न हो जाते हैं। इस दिन जुआ खेलना तथा व्यसन आदि करना वर्जित माना जाता है। जो भी भाव पूर्वक इस दिन माता लक्ष्मी की यह कथा सुनेगा, वो सदैव माता की कृपा का पात्र बना रहेगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माता लक्ष्मी की जय।
दिवाली की रात आई रे दिवाली की रात दिवाली की रात आई रे दिवाली की रात हैप्पी दिवाली आई रे दिवाली की रात आई रे दिवाली की रात यार को बुलाएंगे घर घर सजाएंगे मिलकर साथ हम रॉकेट उड़ाएंगे यार को बुलाएंगे घर घर सजाएंगे मिलकर साथ हम रॉकेट उड़ाएंगे नाचेंगे गाएंगे साथ जश्न की होगी शुरुआत दिवाली की रात आई रे दिवाली की रात साड़ी करेंगे कैंडल जलाएंगे नहीं